अरे हमें आज तक एक बयान उन्होंने सुना दिया, माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो, अरे आओ माफी मांगो। ये क्या हो गया बताओ बताओ, ऐसे कैसे हो गया? अरे भैया अभी भी तो हुआ है, जब देश में सरदार और मुसलमान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे तब तो डर लगा नहीं, अब इन बेशर्मों की सरकार आ गई है, सारे पदे पर बैठ गए हैं फिर भी डर लगता है। स्मृति ईरानी पारसी से शादी की, वो पारसी है कि हिंदू है बता? उनकी मनमर्जी है, मर्जी है, मर्जी का है, बता मेरे, बता उनका अधिकार कहा अधिकार है? राहुल गांधी का अधिकार है, तू उसका क्या बता रहा भाया है? दलित कन्या तू पहले हमें बता, पति के नाम से पत्नी का होता है कि पत्नी के नाम से होता है? महिला कोई जात नहीं होता है, ऐसे नहीं, चुप रहो चुप रहो। तो इंदिरा गांधी की कोई जात नहीं थी? बरोज गांधी हो तो गई, फंस गया तू, वो सोच समझ के, सोच समझ के हिंदू समाजवादियों से बात नहीं कर रहे हो, पंडित विधवा समाज से बात कर रहे हो, एक सवाल जवाब नहीं मिल पाया। अरे भाई स्मृति ईरानी को यात्रा से भारत जुड़ेगा नहीं टूटेगा बता रहे कौन, जो जिसको तोड़ना हो और जिनको जोड़ना हो, हम अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, क्यों बौखलाहट है भाई? इतना काम नहीं हो पा रहा है। जब इंदिरा गांधी जी ने फिरोज गांधी से शादी की तो वो पारसी हो जाती है, पर स्मृति ईरानी पारसी शादी करती है तो कट्टर हिंदू रहती है। अच्छी बताओ रवानी की दामाद कौन है, मुसलमान नहीं है? मुताब असलक भी कौन है बताओ? अरे क्या मतलब उनके दामाद जो राज, क्या मतलब संविधान में लिखा प्रधानमंत्री नहीं है? सुनिए संविधान में लिखा है क्या ये लोग, तुम्हारा क्या है नया दस्तक? भाजपा वालों खुली छूट है, जो मन में आए वो कर लेगा, खुला है संविधान में लिखा, कहाँ संविधान में लिखा दिखाओ, कौन से पेज नंबर है? देश चल रहा है, मनुस्मृति चल रहा है, कहाँ चल रहा है? मनुस्मृति ने संविधान चल रहा है, हम संविधान चलाने चलाएंगे। चल रहा है, अंजलि को न्याय मिल गया होता का संविधान चलता था, अंजलि को न्याय मिल गया, न्याय तुम ही लोग दिला देते हो ना, क्योंकि आप ही लोग गोदी मीडिया लेके चले जाते हो चुन्नू मुन्नू को डिबेट कराने के लिए रात शाम को। बताओ जब काम की बात करो तुम लोगों को समझ में आता, राहुल गांधी टी शर्टें खराब हो गई। अरे तुम काम की बात करो, महंगाई भ्रष्टाचार की बहुत, तुम महंगाई की मान बहुत, महिला उत्पीड़न की बात, कपड़ा पहन के टी शर्ट पहन रहे हो, कांग्रेस कर रही है वोट भी कहाँ मिल रहा है, महंगाई क्या कहाँ मिल रहा है भाई? वोट की चिंता तो आप लोग करिए जिनको वोट खरीदना होता है भाई, भाजपा वाले कहते हैं। लेकिन आज जो मुद्दा है महिलाओं का, आज जो मुद्दा है भ्रष्टाचार का, आज जो मुद्दा है कि हमारे यहाँ पे हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे, हम सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे, मुद्दा उस पर बात करूँ ना। ईरानी की बेटी खुलेआम बीप बेचती है, कोई कार्रवाई नहीं होती, महिलाओं को आजादी मिल गई। भैया ईरानी की बेटी तो बहुत कुछ कर सकती है, साथ भी कभी बहुत थी, बिकनी पहनी थी, दिखी रही फोटो, दिक्कत क्या है? कांग्रेस की गलती है, महिला सुरक्षित नहीं है भाई। अच्छा ये बताओ, हम ये कह रहे हैं कि भैया तुम छोड़ दो रेप अशिक्षा, गुजरात में 6,500 स्कूल क्यों बंद कर दिए गए? राजस्थान में नहीं, पहले सुन तो लीजिए, सुना करिए, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, चीखे चिल्लाने से नहीं होगा, एक मुख्यमंत्री की तुलना प्रधानमंत्री से करोगे? बोलो आप, एक 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 प्रदेश से कितना देश से कर लोगे? क्या दिमाग है? गोबर में रहे हो दिमाग में, संबंध में नहीं आता कोई चीज। सुनो, अरे गोबर नहा लीजिए, आप नहाओ, आप हो जाएंगे, तो सही हो जाएंगे। हम अगर सही नहीं होना ना, हम ऐसे हमें पागल ही रहने दो, हम गोबर को पूछते हैं, खाते नहीं, तुम खाओ, अपना मन पवित्र करो। गोबर पूछते हैं? हाँ, बंद करा दीजिए स्कूल कॉलेज। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के परिपेक्ष में जो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने बिहार गए, बिहार में 1,25,000 करोड़ की घोषणा दी, कुछ नहीं मिला, वहाँ भी रेप होते हैं, वहाँ भी लोग चूल्हे में खाना बनाते हैं, गुजरात की ताजा शराब वहाँ बिकती है, लट्ठा कांड वहाँ होता है, रेप वहाँ होता है। आप लोग प्रधानमंत्री से पूछे ना, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो बताएंगे आपको, जवाब देंगे कि हमारे हम लोग पीड़ित हैं या नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहन बेटियों को न्याय मिलने के लिए हम लोगों को हर दिन रोडों पे बैठना पड़ेगा। क्या ये चीज सही है? क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? एंटी रोमियो स्क्वाड आ गया उत्तर प्रदेश में, बाबा योगी लेकर आ गए। हाथरस कसम खाओ अपने इस माइक की, कसम खाओ धरती माँ की, हाथरस की बेटी के लिए और उन्नाव के लिए कौन सा स्कॉट आया था बताओ? कौन स्कॉट आया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पटाओ, स्लिप हो गई थी कुछ, चलो ठीक है, ऐसे ही होता है, देश भी ऐसे स्लिप हो जा रहा है आजकल। हाँ वही टंग पंख जो भी है, जीप जो खिलाया गया था गोवा में, बाद में आरटीआई में मालूम चला कि स्मृति ईरानी के पति के नाम पे वो बार है। तो पंडित जी ये बताइए महिलाएं क्या करें आखिर, न्याय? महिलाएं कुछ ना करें, बिल्ला चप्पल जूता सब है, वो शक्ति अपनी दिखाएंगी। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमारी महिलाओं को, हमारी बुजुर्गों को, जितनी विधवा है 2024 में, दो जितनी विधवाएं हैं उनको 3 सिलेंडर मुफ्त दिया जाए, जितने भी बुजुर्ग हैं उनको 2,000 रुपये मासिक पेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट भी 1,000 दे, जिंदगी गुजर जाएगी। आप सुन तो लीजिए, आप लोगों को कुछ गरीबों को मिलने लगे, आपके जेब में जैकेट को पैसा मोदी दे दिया, उज्ज्वला योजना दे दिया, और क्या 12 सिलेंडर कर दिया था, दम बताओ बड़ा तुमको मोदी के नाम है। होली दीपावली 26 जनवरी 15 फ्री है, आप हम कह रहे हैं सिलेंडर का दाम बताओ, सिलेंडर के दाम बताओ, अरे 1,100 रुपए 1,200 तो क्या हुआ 1,200 रुपए? ओह हो, कमाई बढ़ गई है कितनी? 35,000 लोग कमा रहे हैं, 35,000 कमा रहे हैं। मोबाइल कितने का तुम्हारे पास? मेरे पास 11,000 रुपए का, निकाले निकाले
मोबाइल 11,000 का है, लोग 11,000 के मोबाइल रख रहे हैं। अरे तुम 1,00,000 का कैमरा लेके दिखा रहे हो पब्लिक के आगे, अपना नहीं बता रहे हो। मोदी जी ने 1,00,000 का है, मोदी जी पैसा दे रहे हैं। मतलब एक मिनट, मतलब आप सरकार जो है पत्रकारों को पैसा भी दे रही है, तुम्हारे घर मतलब ये है। दिक्कत क्या भाई, हो गया आपका भाई, बेहतर काम हो रहा है, कह रहे एडवर्टाइजमेंट कीजिए, पैसा लीजिए हमसे। ये है सरकार की खुई रीति, तभी तो हमने कहा कि 14 करोड़ का जो एडवर्टाइजमेंट मिला है तुम्हारा हिस्सा आया होगा। आज सरकार एडवर्टाइजमेंट दे रही है लेकिन बेटियों के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाला गया। बेटियों से पूछे ना कि उनका हक क्या है, बेटियों ने कपड़े पहन लिए तो दिक्कत, कपड़े ना पहने तो दिक्कत, शादी कहीं कर ले तो, पठान को लेकर सीधा स्टेटमेंट है, हिट होती हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं। भगवा का अपमान होगा, हम संत हैं, पिक्चर में कमेंट नहीं करते। ये मानसिकता ठीक नहीं है, हिट होना हो। आज भी हमारे यहाँ पे महिलाओं का सम्मान नहीं है, 12 किलोमीटर तक बेटी घसीटी जाती है। दो बहन हमारी यहीं पे आई हुई है, अभी एक बहन को के लिए हम न्याय मांगने आए हैं। दामिनी दिखाइए कैमरा, उधर दिखाइए, सब लोग दिखाइए दामिनी को कि इसके लिए 5 महीने से हम न्याय मांग रहे हैं, मीडिया इंटरव्यू कर रहे हैं, उत्पीड़ित परिवार की माँ बहन पिता आज बैठे हैं जंतर मंतर पे, लेकिन कोई सुनवाई सरकार में नहीं हो रही हमारी, कोई नहीं। हम वोट भी दें, टैक्स भी दें, उसके बाद भीख मांगे कि हमें न्याय दो, शर्मा रही है सरकार को। संतों की सरकार में ऐसा होगा? ये उत्तर प्रदेश की घटना है, अभी दिल्ली की घटना आपने देखी, पुलिस क्या मजाक बना रखी है महिलाओं के नाम पर। नारी सम्मान की हो तो रही बात, किसकी भाई, बात करने से काम हो जाएगा क्या? तुम एक काम करो, ठंडी में खाली टी शर्ट पहनना बस, और हाफ नेक कर बात करना बस, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। क्या मजाक है? राहुल गांधी वही कर रहे हैं, राहुल गांधी तो बहुत कुछ कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो बताओ? आज के इस जो भी प्रपंच है, आप लोग पठान पठान पठान, उसके बाद मस्जिद मंदिर मुंदू मुस्लिम, अरे कभी बहन बेटियों पे आ जाओ, बेरोजगारी पे आ जाओ, लोग खुदकुशी कर रहे हैं उस पे आ जाओ, बेटियों को इलेक्ट्रिक शॉक दे के मारा जाएगा? पहले धर्म के लोग कह रहे बचेगा, उसके बाद ही ना कुछ, पहले इंसान बचेगा फिर धर्म बचेगा। क्या धर्म ने ऐसी बताओ, जब जिंदा ही नहीं बचेंगे घंटा बजाने तुम जाओगे मंदिर पे, जब नमाज पढ़ने कौन जाएगा मस्जिद पे, जब इंसान ही नहीं बचेंगे, कुछ नहीं मिलता लड़ने झगड़ने से, बात बिगड़ जाती है करने से। जब दो लोग मरते हैं तो एक इंसान मरता है, इंसानियत मर ही जाती है दो कौमों के लड़ने से। आवाज वही हो रहा है, आपकी भावना है, हाथ नहीं हो रही। किसके लिए आपकी भावना इसके लिए ना, हाथ नहीं हो रही दामनी के लिए या महिलाओं के लिए हाथ नहीं हो रही है? किसके लिए हाथ करवाना चाह रहे हो? अपनी बहन बेटियों के लिए हाथ नहीं होगा क्या? कोरोना काल में हमने ऐसे आदमी अपने परिवार को खोया, अब फिर नया कोरोना आया, उसके बाद महिलाओं के साथ दो बहन हमारी वो वहाँ बयान दे रही हैं कि अमित शाह की पुलिस उनका आपका रिपोर्ट नहीं लिख रही है। क्या मजाक है भाई, कम से कम रिपोर्ट तो लिखो, जांच तो कराओ, बड़े आपका नेता हो तो क्या हुआ? क्यों नहीं मिल रहा, क्या कारण है? प्रधानमंत्री हमें, गृह मंत्री हमें, हम तो क्यों पूछ रहे हो, जाके दे सरकार से पूछो। सरकार तो तमाम दावे करती है बेटी बचाओ, दावे भैया दावे तो हम भी कर सकते हैं कि भैया जितने चैनल वाले हैं सब 5-5 करोड़ के मालिक हैं, दावा कर दिए। अब है नहीं इनके पास, तो कहा हम ऐसे फर्जी दावा करते, अरे सरकार है दावे तो बड़ी बड़ी करती है, करती कुछ ना है। अगर धर्म बचा रही है सरकार, धर्म नहीं बचा रही सरकार हमारी, किसी तरह से हमारी जान चली जाए उस पर आहिर है कि जान कितनी जल्दी हम गवा दें, कितनी जल्दी हम मजबूर हो जाए भूखमरी कगार पे आने पे। ये जो महिला नेता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, ये भी तो महिलाओं के लिए। अरे हमें आज तक एक बयान उन्होंने सुना दिया, माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो, अरे आओ माफी मांगो का मामला तब रहता है जब भाजपा नेता है बात आएगी तो उनका मामला होता है भीगी बिल्ली, नहीं बोल रहा है। लेकिन अगर हिंदू मुसलमान का मसाला आ जाए फिर देखो, चाहे आप लोग हो और चाहे भाजपा वाले हो, ये क्या हो गया बताओ, बताओ ऐसे कैसे हो गया? अरे भैया अभी भी तो हुआ है, क्या मिली सजा उसको, क्या मिली सजा उसको बताइए आप? आदि पीर परिवार ढूंढ रहा है ना, आदि पीर परिवार मांग कर रहा है ना, क्यों नहीं मांग कर आप लोग उसके साथ दे रहे हैं? क्यों नहीं पीर परिवार के साथ दे रहे हैं कि हम योगी के कार्यालय भी घेराव करेंगे इसके बाद? अगर आज हमने ज्ञापन दिया गृह मंत्री को, काम ना होने दीजिए बताते हैं तो कैसे, इन मामलों में पुलिस की भी मिली भगत होती है क्या? काहे नहीं होती है, FIR बदल दी गई, 3-6 दिन तो दो का मुकदमे को 3-6 मुकदमा बना दिया, TC फर्जी निकलवा दी, नहीं मेरे मुकदमे का हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भाई मेरे मुकदमे का हो जाएगा आपका? बिना पुलिस के साठ गार्ड का फाइल बदली नहीं जाएगी, जो केस तैयार होगा, जो रिपोर्ट तैयार होगी वही तो कोर्ट में पेश की जाती है। योगी जी कहते हैं मैं बिल्डोजर चलवा, तो कल की डेट में जो हमारी बहन के यहाँ जो अन्याय किया है उसी घर बिल्डोजर चल जाए, वो गिरफ्तार हो जाए, मुकदमा चेंज हो जाए, तो हम भी बैठ जाएंगे, मानेंगे कि सरकार ने अच्छा काम किया। लेकिन आज तो हमारी बहनों को 12 किलोमीटर घसीटा जा रहा है, अंकिता भंडारी हो, बिल्किस बानो हो, किसी को न्याय नहीं मिला इस राज्य सरकार में।
महिलाओं की जितनी दुर्दशा इस सरकार ने की है कि सरकार ने नहीं की है, सीधी बात है। महिलाओं के नाम पे जिस तरह से सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, खुद प्रधानमंत्री को इस पे सफाई देनी चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनके पास और कोई नया कानून है? एक निर्भया को देख कर जाने की परमिशन दी गई थी, आज कितनी निर्भया को हम देखेंगे? जवाब दे दीजिए आप लोग। प्रज्ञा ठाकुर हिंदुओं को जगा रही है, हम इन सारे जगाना है। हम चाकू तेज नहीं करेंगे, हमारे पास किताब कलम की ताकत है, संविधान की ताकत है, हम चाकू को की ताकत नहीं रखेंगे। हाँ, तो अरे भैया, जब देश में सरदार और मुसलमान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे तब तो डर लगा नहीं, अब इन बेशर्मों की सरकार आ गई है, सारे पदे पर बैठ गए हैं फिर भी डर लगता है। हम कह रहे हैं भैया 14% मुसलमान है, मुसलमान को बना दो प्रधानमंत्री, खतरा ही खत्म हो जाए, वही खतरे में आ जाएंगे, हम तो कम से कम बच जाएंगे।